नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बाबा हेल्थ केयर सेंटर में। साथियों, सुनील जी हैं इंद्री से, इनको काफी प्रॉब्लम आ गई थी बॉडी में। और सुनील जी बताइए अपने बारे में, आपको क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी, और अब अपने बारे में बताइए, आप कैसे क्या फील कर रहे हो आप? मेरे को कमर में बहुत बड़ी दिक्कत थी, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, मेरी टांग में दर्द जाता था। जब से मैं इस सेंटर में आया हूँ, एक सीटिंग के अंदर ही मुझे खड़ा कर दिया गया है। उसके बावजूद आज मैं चलने लायक हूँ, कंटिन्यू चल पाता हूँ, 5 किलोमीटर भी चल चल लेता हूँ। थोड़ा सा पेन है सेकंड सीटिंग के अंदर, वो भी दूर हो जाएगा। नहीं, आप कह रहे थे सर भी आपने काफी दूर जाना है गाड़ी लेके, मैं तो ओके रिपोर्ट रही आपको या कोई बहुत प्रॉब्लम आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मैं चल पाया ओके और काफी दूर तक गया। मैं लगभग 300 किलोमीटर का सफर था मेरा आने जाने का, जो बिना पेन के मेरे साथ रहा। तो साथियों, सर जी को आराम है, बहुत आराम है इनको। इनको L4 L5 शिल्प डिस्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मरके का पॉइंट लूज था, जिसकी वजह से इनसे पैर नहीं रखा जा रहा था। अब ये बहुत बेहतर है, तो हम इनका रिवाइज ट्रीटमेंट करेंगे आज और फिर इनसे पूछेंगे ये कितने बेहतर है। साथियों, सबसे पहले हम जो क्रिटिकल डिगेशन में हैं उनकी सेटिंग कर रहे हैं। देखती हूँ बॉडी लूज, पैर जमाने साथियों, ये पॉइंट करने से पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे कि दर्द ना भी, पेट में पेन। जी सुनील जी, हाँ जी, क्या फील कर रहे हो अब? बहुत बढ़िया, बेहतर है पहले से? बहुत बेटर। पेन वगैरह ना? बिल्कुल खत्म हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो चुका। तो साथियों, सुनील जी को आराम है, फुल आराम है इनको। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक यू।
सांस लो अंदर का, हल्का हल्का लेते रहो, छोड़ते रहो। हाँ जी जतिन जी, आप बताइए, आप ठीक हो? ओके रिपोर्ट है, कैसा फील कर रहे हो? मस्त, बिल्कुल बेहतर है पहले से। जतिन जी कई सालों से बहुत परेशान थे, दाएं बाएं उन्होंने बहुत टैबलेट वगैरह अपना इलाज कराया, परंतु इनको आराम नहीं आया था। इनका हमने ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल ठीक है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद एंड थैंक यू। इनको बाजू में, हाथ में, कलाई में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ जी करमवीर जी, बताइए अपने बारे में आप। जी आज से तकरीबन 2 साल पहले ना मैं बाइक से गिर गया था, मेरे को चोट लगी थी यहाँ पे, फिर मैंने बाजू में प्लास्टर भी कराए, फिर उसके बाद फिर मतलब प्रॉब्लम सही नहीं हुई, तो फिर दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने इसका ऑपरेशन बोल रखा है कि भाई ऑपरेशन से ही ये ठीक होएगा, बगैर ऑपरेशन के ये ठीक होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरे एक साथी है, उन्होंने सलाह दी कि आप एक बार बाबा हेल्थ केयर के पास जाओ, ठीक है। तो मैं कल आया था, कल एक दिन में मतलब कि इतना बहुत आराम है, मतलब कि आप हाथ हिला नहीं रहे थे, बिल्कुल जाम था ये। हाँ, दिखा सकते हो आप? हाँ दिखाओ, हिला के ये देखो काम कर रहा है जो। हाँ, पूरा। हाँ ओके रिपोर्ट है। हाँ, कल एक दिन में मतलब इतना बहुत आराम चल रहा है, बहुत रिलैक्स है। ये मेरे पास आए, इनके पास एक्सरे रिपोर्ट और काफी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और इनका हाथ ऐसे भी नहीं मुड़ पा रहा था, ये बिल्कुल ठोस था ऐसे, और ये हड्डियां इनकी बाहर निकली हुई थी मोटे तरीके से, और आप देखो अब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, एक ट्रीटमेंट में। बिल्कुल लूज, बिल्कुल ही लूज। ओके ओके, एक बार और। ओके बार, डन डन डन। लूज लूज, बिल्कुल हल्का रखेंगे। ओके पैर जमा लेंगे, ठीक है। हाँ ओके रिपोर्ट है, सही है। अपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत दोनों कुंडियां जो होती है बिल्कुल ओके करती हैं दोनों कुंडियों को, और ये रिपोर्ट इसकी जेन्युइन है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कैसी मर्जी आप काम में ला सकते हैं। ओके रिपोर्ट।